जागीरदार साहब, जागीरदार साहब। तुम फिर यहाँ? ये लीजिए, ये आप ही का खून है। हमारा खून तो इस घर से रिश्ता तोड़कर कब से पानी बनकर बह चुका है। ले जा इसे यहाँ से। कहाँ ले जाऊं? अब ना आपका बेटा इस दुनिया में है ना बहू, बस इस नन्ही सी जान को दुश्मनों की गोलियों से बचाकर बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं। यह आपके खानदान का आखिरी चिराग इस हवेली की बारिश। ना फरमान बेटे की औलाद, ना तो हमारे खानदान का चिराग हो सकती है और ना इस हवेली की वारिस। इससे पहले कि तुम्हें ठोकर मार कर निकाल दूं, ले जाओ इसे यहां से। एक सच्चा मुसलमान जमाने की हर ठोकर को अपना सकता है। मैं इस बच्ची को पाल लूंगा, लेकिन डरता हूं अगर मेरी गरीबी की चादर किसी दिन आपके इस ऊंचे घराने की बच्ची का घूंघट ना बन सकी, तो कहीं इसकी मजबूरी इसके पांव में घुंघरू बनकर नाचना उठे। उस दिन मैं दुनिया से कहूंगा कि यह मेरा खून नहीं है, जागीरदार विशंबर नाथ की हवेली की इज्जत है जो आज सरे बाजार बिक रही है। सरे बाजार नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने बेटे की मौत के दुख को तेरी हंसी की खुशियों में भूल जाऊंगा बेटी, मगर देखो मुझे छोड़ कर न जाना, कभी न जाना, मुझे छोड़ कर ले जाना बेटी। ये सब क्या हुआ? क्या हुआ ये? बोलो। कुछ लोग एक बच्ची की तलाश में आए थे और बोले आप रजिया। चोर, चोर, बचाओ, बचाओ, चोर, चोर। अब्बा, जरा थोड़ी देर के लिए इस बच्ची को संभाल लीजिए, इसकी जान खतरे में है। मैं अभी आया। सुनिए, यहां आपके साथ एक औरत खड़ी थी। वही जिसको आप बच्ची दे गए थे? हाँ वही। कहाँ है वो? वो तो तभी चली गई। आपको उसका घर मालूम है? जी नहीं। नहीं, ये दोनों लेट लतीफ अभी तक नहीं पहुंचे। हाय एवरीबॉडी, जानते हो आज मैं क्यों लेट हुई? वो कमबख्त मेरे ऊपर लेटा हुआ था। क्या बख्ती हो जालिम, ऐसा लिपटा हुआ था, ऐसा लिपटा हुआ था कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था। मगर वो था कौन? वही अपना पुराना फॉरेन वाला कंबल। जहां हंसी की फुलझड़ियां छूटती हैं, वहां जरूर मेरा ही जिक्र होता है। क्या बात है, आज बहुत चमक रहे हो भाई। ज्योति नजदीक खड़ी हो तो हर चीज पर चमक आ ही जाती है। ये शायरी का नहीं, मोटरसाइकिल का मुकाबला है। चलो तैयार हो जाओ। शर्त याद है ना? हारने वाले को जीतने वाले की हर बात माननी पड़ेगी। बहुत अकड़ता है। कॉलेज में आज इस कबूतर का मुर्गा ना बनाया तो ज्योति नाम नहीं। आज अगर मैं जीत गया ना तो भरी महफिल में इसका मुंह चूम लूंगा। मंजूर? मंजूर। स्टार्ट।
मैं तो यही चाहता हूँ कि ज्योति हमेशा मुझसे आगे रहे। शर्त याद है ना? बोलो क्या सलूक किया जाए। अरे बाप रे, दादाजी मेरा सिनेमा के बारे इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो चलती हूँ। हो गया ना कचरा ऊपर वाले की दुआ से सुबह ही सुबह। खुदा जाने इन लोगों को लाइसेंस कौन दे देता है। अरे भाई ये किसकी मुसीबत है? कहाँ हो मियाँ? यहाँ। अच्छा तो आप वहाँ हैं? मेम साहब आपके मोटरसाइकिल चलाती हैं या हवाई जहाज? ये तो ऊपर वाले की दुआ से मैं रिवर्स में था, नहीं तो एक एक हड्डी पसली टूट जाती। चलो उतरो। नहीं। अरे नहीं कैसे उतरोगी? ये तुम जैसी टाइट पैंट वालियों का हुलिया टाइट करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलो उतरो। दादाजी। अरे भाई क्यों मेरी बेटी से तकरार कर रहे हो? हाँ जी तकरार कौन? मुंह क्या देख रहे हो? दादाजी इनका जो नुकसान हुआ उसे डबल पैसे दे दीजिए। बहुत अकड़ रहे थे। ऊपर वाले की दुआ से मैं तो इन्हें समझा रहा था। समझा रहा था है? दादाजी के सामने बोलती बंद हो गई। अब बोलो। अब ये क्या बोलेगा? ले बे तुम्हारे नुकसान से कहीं ज्यादा। हाँ। रहने दीजिए मेरे नुकसान को। ऊपर वाले की दुआ से आपसे मिलकर तो मुझे फायदा ही हुआ है। फायदा हुआ है? है? किस चीज का फायदा हुआ है? चलिए दादाजी पिक्चर शुरू हो जाएगी। दादाजी आप लड़की भी बैठ गई, इधर बैठिए ना। मगर मेरी पैंट में तो पेन ही नहीं है, ये चीखी क्यों? ओफो दादाजी पिक्चर देखो भूलो नहीं। बाहर आओ। चोर! चोर नहीं बुढ़िया, आफत की बुढ़िया। कहाँ है वो दीपा? खाली टीन का पीपा टंटना टंटन। मगर तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचान। मैं डाकू बेनाम और तेरा बेटा गुमनाम मुझे कर रहा है बदनाम। बिन सोचे अंजाम मुझे जेल भेजने की कोशिश कर रहा है अंजाम। तेरे उस छज का सीना गोलियों से छलीना कर दिया तो मेरा नाम भी दीते बाकी। वो किस गोदड़ी में छुप गया माइके लाल? वो अभी तक घर नहीं आया। फूटे फर्नीचर की तरह फोड़ दूंगा। आज नहीं मिला तो कल आऊंगा, कल नहीं मिला तो परसों आऊंगा। सिर्फ इतवार के दिन नहीं आ सकता, वो दिन मेरा फिल्म के लिए फिक्स है। लेकिन छोड़ूंगा नहीं बुढ़िया। डाकू भैया मेरे बच्चे पे रहम करो, वो नादान है, भोला है। भोला नहीं बम का गोला है, उसने मेरी मुखबरी की है। मैं उस जुगन की गजब के शोले से समाधि बनाऊंगा। कब क्यों कहां मैं नहीं जानता, लेकिन उस कातिलों के कातिल के लिए मैंने प्रतिज्ञा की है कि बदले की आग से मैं इंतकाम लूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब आप देखते क्या है, पकड़ लीजिए इस डाकू को। मर गया माँ, मुझे बचा लो। एक्टर बनने से पहले ही ये तेरे बकरे की बलि ले लेंगे। अरे धत तेरी की, दीपू के बच्चे तू था, हम समझे कोई डाकू आ गया। अरे बच्चू तू अपनी इस एक्टिंग की वजह से किसी दिन जरूर मार खाएगा। हाँ निकल, डाकू चोर बनकर माँ का ही कलेजा निकाल रहा था। निकल जन्म तो, चले निकल तो। बस मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ। माँ ये तेरी जूते मारने की आदत कब जाएगी? माँ मुझे तो लगता है शादी के दिन सेहरे की जगह तू एक दर्जन स्लीपर मेरे सर पे बांध देगी। हाय मेरे सर का फलूदा निकल गया। खा मर। अच्छा है माँ, जूते के जख्मों पर गरम गरम हलवे की पुलटस बांध लेता हूँ। खा ले खा ले। खा लेता हूँ माँ। माँ घर में कोई चमचा नहीं? अच्छा ना सही, फिल्म लाइन में बड़े चमचे मिल जाएंगे। माँ यू आर ग्रेट, यू आर मदर इंडिया। माँ यू आर मदर इंडिया। बेटे ये फिल्म एक्टिंग का शौक छोड़ दे, इंसान बन। क्यों एक्टर इंसान नहीं होते माँ? मैं समझ गया, तू डरती है कि मैं एक्टर बन के पैसे कमा लूंगा फिर अपनी माँ को भूल जाऊंगा। मैं उन लोगों में से नहीं माँ जो दौलत कमा कर आंखें फेर लेते हैं, मैं तो अपनी माँ को अपनी आंखों पे बिठा के रखूंगा। आज माँ बेटे में बड़ा प्यार हो रहा है। अगर आज अब्दुल भैया का सहारा ना होता तो दाने दाने को मोहताज हो जाते, हम लोग भूखे मर जाते। आपने ऐसा सोचा कैसे? मैंने तो कभी अपने आप को आप लोगों से अलग नहीं समझा।
अब्दुल भैया। भैया कहती हैं, भैया मानती नहीं। आज मुझे यकीन हो गया कि रिश्ते बनाने से नहीं बनते, वक्त वक्त की बात है। जब दौलत आपके घर की लौंडी थी, उस वक्त तो आपने इस गुलाम को अपने साथ रखा, और आज बुरे वक्त में आपने मुझे गैर कैसे समझ लिया। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइएगा, आप आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगी। लो कसम खा ली। अब्दुल मामा, माँ ने कसम खा ली, तुम हलवा खा लो। अरे आज तो मुंह मीठा जरूर करूंगा, लेकिन तेरी शादी की खुशी में। हमारे बेटे ने अपनी जिंदगी में जब आपके बेटे को इज्जत समझकर सीने से लगा लिया, तो ये अमीरी और गरीबी के फासले तो उसी दिन मिट गए थे। हमें ये रिश्ता मंजूर है। इसी विश्वास ने मुझे यहाँ आने की हिम्मत दी है। ओ दादाजी, दादाजी, मैं मोटरसाइकिल रेस में फर्स्ट आई हूँ। देखो तो सही मैं कैसी लग रही हूँ, देखो ना। ये बाद में देखेंगे, पहले इनके पांव छुओ। किस खुशी में? बेटे जब तू छोटी थी ना, तो तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी सगाई कर दी थी। और मैं उस खुश नसीब की माँ हूँ बेटी। माँ की हालत देखकर ही बेटे की हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। रानी! आपकी रानी कोई नौकरानी नहीं, एक पढ़ी लिखी लड़की है। और ना ही मैं कोई खैरात का ऐसा पैसा हूँ जिसे आप जब चाहे किसी भी फकीर की हथेली पर रख सकते हैं। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। अपने बेटे के प्यार में पागल होकर मैं यहाँ दामन फैलाने के लिए आई थी, मगर ये बड़े घर की अमीर बेटी मुझ जैसे गरीब के आंगन में बहू बन के नहीं समा सकेगी। रानी, ये क्या बदतमीजी की है तूने? दादाजी, तुम्हें ये शादी करने ही पड़ेगी। मेरी ये मजबूरी है दादाजी। मैं उस मजबूरी का नाम जानना चाहता हूँ। मैं शादी कर चुकी हूँ। तकदीर अपना फैसला सुना चुकी है जागीरदार साहब। जागीरदार विशंबर नाथ किसी तकदीर के फैसले को नहीं मानते। इस हवेली में हमारा फैसला ही तकदीर है। इन रगों में भी इन्हीं का खून है, ये अपने असूल नहीं छोड़ सकते। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। चलो। तुम बाप बेटी कितने संग दिल निकले। जो जख्म तेरे बाप ने मुझे दिए थे वो अभी भरे भी नहीं कि तूने आज उन पर फिर पाँव रख दिया। मेरा कसूर क्या है बताओ? बस यही ना कि मैंने तुम लोगों से प्यार किया। दादाजी, खबरदार ने मुझे दादाजी कहा तो चले जाओ इस घर से, और तब तक इस घर में कदम नहीं रखना जब तक तुम अपने पति को साथ नहीं लाओगी। दादा,